जैन फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को जो कि आपका एनडीए 2 2021 का, ठीक है। और ये आपका एपी का क्वेश्चन है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था। देखिए क्वेश्चन में क्या है, वो लेट एस के डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट के टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। यानी कि एस 30 निकालना है, उसके बाद एस 20 और एस 10, तीनों को निकाल के आपको आपस में सॉल्व कर देना है। तो एस 30 यानी कि लगातार 30 टर्म्स का सम, ठीक है, यानी कि सम ऑफ 30 टर्म्स। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, डॉट 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 30 टर्म्स। अब देखिए एन टर्म्स का सम क्या होता है, एन एन प्लस 1/2, ठीक है। तो 30 टर्म्स का क्या हो जाएगा, 30 × 31/2। इसी तरह से क्या हो जाएगा आपका एस 20, यानी कि 1 2 3 डॉट 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 20 है। 20 टर्म्स का क्या हो जाएगा आपका 20 × 21/2, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिए, यानी कि 10 बार में कटेगा, 10 × 21 कितना हो जाएगा आपका 210। इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो 15 × 31। देखिए हम पूरा सॉल्व नहीं कर रहे, ठीक है, ताकि आगे आपको कैलकुलेशन में इजी हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आपका एस 10, यानी कि सम ऑफ 10 टर्म्स, यानी कि 1 2 3 4 डॉट 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 10 टर्म्स, ठीक है। सम ऑफ 10 टर्म्स क्या हो जाएगा, 10 × 11/2, 2 से 5 बार में 5 × 11, यानी कि 55। अब इसको सॉल्व करिए आप, ठीक है। देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम इसके बेसिस पर सॉल्व करें, ठीक है, यानी कि एस थर्टी क्या था आपका 15 × 31, और नीचे क्या था आपका 210, यानी कि S20 का 210 और S10 का कितना आया था 55। अब इसको दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है, यानी कि 210 − 55, 10 में से गया 5, 20 में से 5 गया तो 15, ठीक है, यानी कि 155 बचा आपका। तो यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, नीचे में 155। अब इसको 5 से काट देंगे हम लोग, तो कितना आएगा, 5 से 3 बार में 5 × 5 = 31, यानी कि 31 वापस कट गया। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, सिर्फ बचा क्या यहाँ पर 3, यानी कि राइट आंसर आपका आ गया 3। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।